नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है फिजिक्स इन्फिनिटी में दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा इलेक्शंस 2024 से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में दोस्तों भारत की जो इंडियाज इलेक्ट्रल जर्नी है बिगिन इन नाइनटीन विद द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन नाइनटीन फिफ्टी में हमारे पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए थे एंड द लोकसभा इलेक्शन चौबीस की बात करते हैं जो कि इस समय का एक हॉट टॉपिक है करंट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे हिंदुस्तान के लिए लोकसभा इलेक्शन 2024 विल हैपन इन सेवन फेजेस दोस्तों सात फेजेस में इलेक्शन होंगे लोकसभा 2024 इलेक्शन विल विटनेस 96.8 करोड़ इलेक्टर्स तो 96.8 करोड़ लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और वी हैव 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स एंड 19.47 करोड़ वोटर्स बिटवीन द एजिस ऑफ ट्वेंटी टू ट्वेंटी फॉर द लोकसभा uh, इलेक्शन 2024 तो so, दोस्तों एक पॉइंट आठ करोड़ लोग जो हैं पहली बार वोट दे रहे हैं और नाइनटीन पॉइंट फोर सेवन करोड़ वोटर्स बीस से उनतीस साल की उम्र के हैं दोस्तों बारह स्टेट्स में इन ट्वेल्व स्टेट्स में रेशो ऑफ फीमेल वोटर्स इज हायर देन दैट ऑफ मेल वोटर्स सो आई एम नॉट डिस्कसिंग द स्टेट्स देयर बट बारह स्टेट्स में हमारी जितनी स्टेट्स उसमें बारह स्टेट्स में फीमेल वोटर्स का रेशो ज़्यादा है मतलब इन स्टेट्स के जो भी सीटें रहेंगी लोकसभा की वहाँ पर महिलाएं जो है वो डिसाइडिंग रोल प्ले करने वाली है ओवर एटी फाइव लैख फर्स्ट टाइम फीमेल वोटर्स विल पार्टिसिपेट इन दिस ईयर्स इलेक्शन एंड देर आर 97 सेवन करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स टेन पॉइंट फाइव लैख पोलिंग स्टेशन वन पॉइंट फाइव करोड़ पोलिंग ऑफिशल्स इसमें रहेंगे इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी स्टाफ फिफ्टी फाइव लैख ई वी एम्स का इस्तेमाल होगा दैट इज अंपॉर्टेंट पॉइंट फिफ्टी फाइव लैख ई वी एम्स इसमें इस्तेमाल होने वाली हैं और चार लाख गाड़ियाँ इसमें इस्तेमाल होंगी इस तरह से कुछ अप्रोक्सीमेट डाटा है देन सातवां जो है दोस्तों पॉइंट इंपॉर्टेंट ग्रोथ इन वोटर कैटेगरीज की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली एट्टी टू लैख पर्सन विद डिसबलिटीज और टू पॉइंट टू लैख हंड्रेड प्लस ईयरस के जो भी सौ साल से ऊपर के लोग हैं इस समय वो दो पॉइंट दो लाख लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फोर्टी एट थाउजेंड थर्ड जेंडर वोटर्स हैं और ये जो आपको आप इसमें देख रहे हैं जो ग्रोथ देख रहे हैं वोटर कैटेगरीज में ये इस बात को भी दर्शा रहा है कि जो ई की इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया की जो कमिटमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो कमिटमेंट है वो उसको दर्शा रहा है बेसिकली जो ग्रोथ हुई है इन वोटर कैटेगरीज में आगे चलते हैं दोस्तों आठवें पॉइंट की तरफ फिफ्टी फाइव लैक ई वी एम्स टू बी डिप्लॉयड विच इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रोल मूवमेंट ऑफ मैन एंड मेटल सो इट इज़

से से जो 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 है है वो शुरू शुरू हो हो जाएगी और सात में होगा. April 19 से जो है ये जाएगा. दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत सारे घटनाएं जो रही इन पांच सालों में ऐतिहासिक घटनाएं रही तो इन सभी ऐतिहासिक घटनाओं के बाद ये पहला इलेक्शन है फर्स्ट जनरल इलेक्शन है और वो इवेंट्स है आर्टिकल तीन सौ सत्तर की बात की जाए अगर एबोल्यूशन ऑफ आर्टिकल थ्री सेवेंटी कंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड रामा टेम्पल इन अयोध्या एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सी एक्ट की बात की जाए तो इन ऐतिहासिक जो ये भी इवेंट्स रहे इनके बाद ये फर्स्ट जनरल इलेक्शन है और आगे चलते हैं नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो लगातार तीसरी बार जो है कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस और लजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस इन द स्टेट्स ऑफ आंध्रा अरुणाचल उड़ीसा सिक्किम भी साथ ही साथ इन इलेक्शन के साथ रहेंगे लोकसभा इलेक्शन के साथ इन स्टेट्स में इलेक्शन रहेंगे और इसी के साथ साथ बहुत सारी स्टेट्स मतलब लगभग हमारे लगभग क्या पूरा डाटा है सिक्सटीन स्टेट्स में जो है थर्टी फाइव सीट्स पर बाई इलेक्शन भी रहेंगे कहीं पर किसी एम का डेथ हो गया है या किसी को डिसक्वालीफाई हो गया हिमाचल की बात की जाए तो यहाँ के कुछ एम जो हैं डिस्कवालीफाई हो गए हैं तो वहाँ पर बाई इलेक्शन रहेंगे तो बाई इलेक्शन रहेंगे दोस्तों थर्टी फाइव सीट्स के बाई के लिए बाई इलेक्शन हैं सोलह स्टेट्स में और बाकी आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश उड़ीसा सिक्किम इनमें जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होंगे विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं और रिजल्ट जो है चौबीस के जनरल इलेक्शन का अनाउंस किया जाएगा चार जून को दोस्तों तो हमने तो ऊपर बात भी किया कि जो काउंटिंग है विल बी हेल्ड ऑन फोर्थ ऑफ जून और उसी दिन जो है रिजल्ट भी अनाउंस किया जाएगा उस उस दिन लगभग ये तय हो जाएगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होने वाला है सो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी आप लोगों के लिए From the looks of elections, with that, thank you very much. Jai Hind. Vande